हेलो एवरीवन, टैरेट विद एम सिंह में मैं अपने सभी व्यूवर्स का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमेशा की तरह मॉर्निंग में मैं आ गई हूँ आपके पार्टनर्स की कलेक्टिव लेवल पे करंट एनर्जीज और उनका नेक्स्ट एक्शन आपकी तरफ क्या होगा, ये हम देखने की कोशिश करेंगे। तो शुरू करते हैं। आज मैं मेजर अरकाना से लूँगी 5 कार्ड्स और उसके बाद हम उसे टैरो से क्लैरिफाई करेंगे। सो प्लीज़ गाइड करें एंजल्स। मेरे व्यूवर्स के पार्टनर्स की कलेक्टिव लेवल पे करंट एनर्जीज़ क्या चल रही हैं आज के दिन में। कलेक्टिव लेवल पे करंट एनर्जीज़ 5 कार्ड्स। मेरे व्यूवर्स के पार्टनर्स की कलेक्टिव लेवल पे करंट एनर्जीज़ प्लीज़ गाइड करें एंजल्स। आज की रीडिंग डेथ से शुरू हुई है, देखते हैं आगे कितने हैवी कार्ड्स आते हैं। अक्सर मैं आपसे कहती हूँ कि जब रीडिंग पॉजिटिव शुरुआत हो तो पूरी रीडिंग पॉजिटिव होती है। आज शुरुआत नेगेटिव हुई है। अब ये नेगेटिव शुरुआत है या इनके अंदर किसी तरह का बदलाव आ रहा है, देखते हैं। सेकंड कार्ड एंजल्स, 4 मोर कार्ड्स। द मून, ऐसा लग रहा है इमोशनल ब्रेकडाउन हो सकता है, कुछ ट्रिगर मिल सकते हैं आपके पर्सन को। द स्टार, 2 मोर कार्ड्स एंजल्स, 2 कार्ड और, हैंग्ड मैन, 1 मोर कार्ड, द सन। बॉटम ऑफ द डेक है हमारे पास द चैरियट, द वर्ल्ड, हर्मिट, टेम्परेंस। ओके, साइन यहाँ पर है पाइसिस, स्कॉर्पियो, टॉरस, वर्गो, लियो, कैंसर। ये साइन बहुत स्ट्रांगली निकल कर आए हैं आपका या आपके पर्सन का, स्पेशली आपके पार्टनर्स का असेंडेंट सन साइन या मून साइन हो सकता है। यहाँ पर एनर्जी वाइज ऐसा नज़र आ रहा है कि इनके लाइफ में इन्होंने ठान लिया है कुछ बड़े डिसीजंस आज के दिन में ये लेने वाले हैं। जब भी ये रीडिंग आपके सामने आएगी, ज़रूरी नहीं है कि सब जिस दिन मैंने ये रीडिंग करी है उसी दिन देखें, अगर आज से 5 महीने बाद भी ये रीडिंग आपके सामने पॉपअप होती है तो एंजल्स आपको कुछ ना कुछ गाइड करेंगे। मेरी जितनी भी पुरानी रीडिंग है सब टाइमलेस है। अगर आपके सामने कभी वो कोई रीडिंग आती है तो वो कुछ ना कुछ आपको मैसेज उस रीडिंग में ज़रूर मिलेगा। सो यहाँ पर ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी है। यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि फुल मून के बाद से फास्ट हुआ है अवेकनिंग प्रोसेस और ट्रिगरिंग बहुत फास्ट हुआ है। स्पेशली अगर आपके पर्सन किसी सिचुएशन में स्टक हैं तो उन्हें ट्रिगर बहुत ज़्यादा मिलने वाला है और उन ट्रिगर्स की वजह से वो कोई बड़ा डिसीजन लेंगे। जो बड़ा डिसीजन होगा वो आपके फेवर में होगा, बिकॉज़ यहाँ लियो की एनर्जी है, सन, ब्राइटनेस है और चैरियट, मतलब कुछ अच्छा डिसीजन आपकी तरफ आ चुका है या आने वाला है। सबसे पहले मैं बधाई दे दूँ, जितने भी लोग कमेंट सेक्शन में मुझे बताते हैं कि आपको मैसेजेस आ गए, आपका रियूनियन हो गया, उन सभी को बेस्ट विशेस। और जिनको भी नहीं आया है, जो भी अभी इंतज़ार कर रहे हैं, उनसे मेरी यही रिक्वेस्ट है कि फोकस को अपने ऊपर डाइवर्ट करें। वेटिंग पे कभी नहीं रहना चाहिए, हमेशा फोकस अपने ऊपर डाइवर्ट करें, अपने लाइफ में अपने कर्म पर ध्यान दें। जो भी आपके कर्म हैं, चाहे वो घर से रिलेटेड हो, ऑफिस से रिलेटेड हो, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हो, अपने ऊपर फोकस जितना ज़्यादा डाइवर्ट करेंगे उनकी तरफ अपने माइंड को लगाने के बजाय, पूरे माइंड का कंसंट्रेशन दूसरे डायरेक्शन में ले जाएं। जब आप उन्हें एनर्जी सेंड करना बंद कर देंगे तो खुद ब खुद आपकी तरफ पॉजिटिव रिप्लाई आने लगेगा। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स। डेथ का कार्ड क्यों आया है करंट एनर्जी में? फर्स्ट कार्ड डेथ। ओके, डेथ का मतलब होता है रीबर्थ, एक नई शुरुआत। और यहाँ पर जो कुछ भी ख़त्म होगा वो एक नई शुरुआत के लिए होगा, और ये जो नई शुरुआत है ये लव लाइफ से रिलेटेड है, राइट? द मून की एनर्जी क्यों आई है? क्या इमोशनल है? क्यों आया है द मून? जी, बहुत ज़्यादा ही इमोशनल हैं। जैसा कि मैंने कहा कि कार्मिक लेयर्स या कार्मा से ट्रिगर बहुत स्ट्रॉन्ग मिलेगा आपके पर्सन को या मिल रहा है,
तो यहाँ ट्रिगर की एनर्जी है, या तो इनको उनके अपनों से धोखा मिल रहा है, या इनके करियर में लॉसेस हो रहे हैं, या इनका इनके मर्ज़ी के ख़िलाफ़ इनको कहीं दूर जाना पड़ रहा है, या इनसे इनके अपने दूर होते जा रहे हैं जिनकी वजह से इन्होंने दूसरों को हर्ट किया, दूसरों को धोखा दिया, उनके लाइफ में इनकी कोई वैल्यू ही नहीं रहेगी। कुछ इस तरह के सिचुएशंस ये फेस कर रहे हैं या कर रही हैं आपके पर्सन, इसलिए इमोशनल ब्रेकडाउन दिख रहा है। द स्टार, क्या होप रख रहे हैं, क्या कोई विशेस मांग रहे हैं, क्या कोई होप है? एक कार्ड और आया है, आई थिंक डेविल। इनके विश है कि अगर इनको कोई मैनिपुलेट कर रहा है, या इनके लाइफ में कोई नेगेटिविटी है, इनकी खुद की नेगेटिविटी है, या इनके लाइफ में कोई टॉक्सिक बिहेवियर है किसी का, तो उनसे ये छुटकारा पाना चाहती हैं, या उनसे ये छुटकारा पाना चाहते हैं। अगर इनको कोई प्रेशर कर रहा है, किसी शादी के लिए प्रेशर दिया जा रहा है, ट्रेडिशनल वे में शादी करनी है इनके पेरेंट्स के द्वारा, या इनको कोई मैनिपुलेट कर रहा है, अपनी मैनिपुलेशन टेक्निक्स यूज़ कर रहा है इनके ऊपर, ब्रेन वॉश कर रहा है, बहुत ज़्यादा इनके माइंड में जहर घोल रहा है या घोल रही है आपके ख़िलाफ़, या कोई ऐसा है इनके लाइफ में जो नेगेटिव है, वो एनर्जी, वो डेविल एनर्जी से बाहर निकलने की विश कर रहे हैं, मतलब उन सिचुएशन से निकल जाना चाहते हैं। हैंग्ड मैन क्यों आया है? आपको मैसेज करूं, कॉल करूं कि नहीं करूं, ये सोच रहे हैं। मतलब बहुत ज़्यादा मिसिंग एनर्जी तो है, लविंग एनर्जी तो है, आना भी चाहते हैं, एक्शन भी लेना चाहते हैं। देखिए, हैंग्ड मैन के बाद एक्शन का कार्ड है, और एक्शन के बाद हमारे पास चैरियट का कार्ड है, मतलब कि ये आपसे बात करके कोई प्रॉपर डिसीजन लेने की सोच रहे हैं। सन क्यों आए हैं? ओ, बहुत सारे कार्ड्स हैं, मैं इतने नहीं लूँगी। एक कार्ड लूँगी। और कोई कार्ड आना चाहता है सन के लिए? फिर से काफ़ी सारे आ गए। मे भी कुछ बताना चाहते हैं। देखिए, सबसे इम्पॉर्टेंट तो ये है कि आपको लेकर बहुत ज़्यादा रोमांटिक फीलिंग्स हैं, बहुत ज़्यादा पैशन है, लव है, कंपैटिबल पार्टनर आप में ही फील होता है इन्हें, आपके अलावा और किसी के साथ कंपैटिबिलिटी फील नहीं होती, इसीलिए घूम फिर कर वापस आ जाते हैं आपकी तरफ। वेटिंग की एनर्जी है, हो सकता है आप में से कई लोग लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हो, दूरियाँ हो आप दोनों में, तो आपसे बातचीत हो सकती है। आप दोनों के बीच में अगर कोई थर्ड पार्टी थी, कोई ऑब्स्टिकल था, कोई झगड़े लड़ाई थे, या कोई भी ऐसी सिचुएशन थी जिसकी वजह से आपको कमिटमेंट नहीं दे पा रहे थे, या आपसे बातचीत नहीं कर पा रहे थे, या कोई कार्मिक लेयर्स थी इनके ऊपर, तो उन सब सिचुएशन से ये बाहर निकल जाएंगे। इवन इनके लाइफ में अगर कोई प्रॉब्लम थी, फाइनेंशियल इश्यूज थे, तो वहाँ से भी ये काफ़ी हद तक सक्सेसफुल होकर आपकी तरफ प्रॉपर एक्शन लेने की एनर्जी में है। किंग ऑफ पेंटिकल्स एक ऐसे राजा होते हैं जिन्होंने ज़ुबान दे दी तो निभाएंगे, तो अब ये ज़ुबान देने की एनर्जी में आ रहे हैं या आ रही हैं। चैरियट का कार्ड क्यों आया है? क्या डिसीजंस लेने की सोच रहे हैं? चैरियट का कार्ड क्यों आया है? कर्मा साइकिल को ख़त्म करने का डिसीजन लेंगे। जो भी कर्मास इनके अटके पड़े थे सालों सालों से, उन कर्मास के प्रति ये इग्नोर कर रहे थे, हमेशा एडजस्ट कर रहे थे, कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे थे या कर रही थी, अब यहाँ पे फुल एंड फाइनल रिजल्ट होगा। क्लाइमेक्स की एनर्जी है यहाँ पर। सक्सेस अपने तरफ जो ये मैनिफेस्ट कर रहे हैं उसमें सक्सेस अचीव करेंगे, और इनके लाइफ में जो भी कर्माज हैं वो क्लियर होंगे, चाहे वो डिवाइनली गाइडेड ही क्यों ना हो। डिवाइन इंटरवेंशन हो सकता है, लेकिन जो होगा सडन होगा। सडन लॉस, सडन कुछ नुकसान, सडन या तो ये इनके खुद की डिसीजन से या डिवाइन के डिसीजन से, बट ये चीज़ें यहाँ पर नज़र आ रही हैं। काफ़ी लोग बहुत करीब हैं अपने परमानेंट रीयूनियन के। हर हर महादेव। नेक्स्ट एक्शन क्या होगा? प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, नेक्स्ट एक्शन क्या होगा मेरे व्यूवर्स की तरफ। नेक्स्ट एक्शन क्या होने वाला है आपकी तरफ, आपके पर्सन की तरफ से? प्लीज़ गाइड करें एंजल्स। टावर,
यहाँ पर एक कार्ड यहाँ पे आया है और एक कार्ड यहाँ पर है। 2 2 2 2 2 2 टू नंबर इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। देन वी हैव 8 7 3 एंड शेडो साइड। बहुत हैवी एनर्जी है, आने वाला समय इससे हैवी होगा। मैंने आपसे कहा कि जब पहला कार्ड नेगेटिव आता है या हैवी आता है तो एनर्जी भी हैवी होती है। देखिए यहाँ पर आने वाले 2 हफ्ते या आने वाले 2 दिन आप में से कई लोगों के लिए बहुत हैवी होंगे, स्पेशली आपके पार्टनर के लाइफ में। तो मैक्सिमम 2 वीक्स और मिनिमम 2 डेज़ बहुत बहुत ज़्यादा फोकस अपने ऊपर करिए। अपने पार्टनर को छोड़ दीजिए इस वक्त, भूल जाइए कि आपके लाइफ में कोई पार्टनर था या थी 2 दिन के लिए या 2 हफ्ते के लिए। क्यों? क्योंकि भूलने का मतलब है कि उनको एनर्जी मत सेंड करें। कैसे? उनको मैसेज ना करें, अगर अनब्लॉक हैं तो बिल्कुल मैसेज ना करें जब तक उनका खुद का मैसेज ना आए, या उनसे कोई क्वेश्चन ना करें। अगर नॉर्मल गुड मॉर्निंग गुड नाइट करते हैं तो ठीक है, बट उनसे कोई क्वेश्चन ना करें, कहाँ हो, किससे बात कर रहे हो, मेरे मैसेजेस का रिप्लाई दो, आखिर चल क्या रहा है, या तुम कहाँ घूमते रहते हो या रहती हो, या तुमने उसके साथ ऐसा क्यों किया, या उसके साथ ऐसी पोस्ट क्यों डाली, या तुम उससे क्यों मिले। प्लीज़ कोई भी ऐसी गड़बड़ी मत कीजिएगा, वार्निंग मैसेज है, क्योंकि आने वाले 2 हफ्ते या 2 दिन की एनर्जी बहुत ज़्यादा हैवी होगी। यहाँ पर इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि यहाँ पर देखिए हाई प्रीस्टेस की एनर्जी है, इनके लाइफ में थर्ड पार्टी पीक पे होगी। थर्ड पार्टी पीक पे होगी क्योंकि जैसे इंसान होता है ना, जब सूर्य निकलने वाला होता है तो जो अंधेरा होता है वो पीक पे होता है, ठीक है। वो घोर अंधेरी रात के बाद एक उजाले की किरण निकलती है, तो ये जो घोर अंधेरी रात है ये क्लाइमेक्स है। इसके बाद एक उजाले की किरण निकलेगी जो है सन, जैसा कि करंट एनर्जी में आया। तो इस घोर अंधेरी रात को आपको बहुत पीसफुली निकल लेना है साइड से, इसमें कोई गड़बड़ी नहीं करनी है। अगर आपने गड़बड़ी करी तो आपका जो रीयूनियन होने वाला है, जो प्री प्लान्ड है, वो आगे बढ़ सकता है। यहाँ पर मून की एनर्जी है, इमोशंस बहुत हाई होंगे आपके लिए, फिजिकल अट्रैक्शन बहुत हाई होगा। 24/7 आप इनके दिमाग में रहोगे, तभी ये आपके लिए दूसरों को सेक्रीफाइस करेंगे। मतलब इनके लाइफ में जो भी चीज़ें हैं, जो ये अभी तक चिपका कर दबा कर अपने पास रखे थे जकड़ के पकड़ के, आपको डिस्टेंस में रख के किसी और को इन्होंने बहुत क्लोजली अटैच किया हुआ था, चाहे वो इनके लाइफ में कोई भी कार्मिक सिचुएशंस हों। कर्मा की लेयर, 3D मैट्रिक्स की लेयर इतनी आसानी से नहीं निकलती हैं, बहुत ज़्यादा तपस्या करनी पड़ती है उस कर्मा से ऊपर उठने के लिए। वो टांग पकड़ के आपको खींच लेते हैं अपने तरफ। इंसान जब अवेकन होता है तो उसे बहुत लालच दिया जाता है 3D मैट्रिक्स की तरफ से, धन का लालच, घर बंगला गाड़ी मकान, हर तरीके का लालच। 3D में क्या है, यही सब है ना, मोह माया। तो ये मोह माया आपको अपनी तरफ बहुत बुरी तरह से खींचती है, कुछ ना कुछ लस्तंगा लगाकर आपको अपनी तरफ खींचेगी। लेकिन वही इंसान आगे बढ़ता है जो सिर्फ़ और सिर्फ डिवाइन को प्रायोरिटी देता है। अगर आप डिवाइन से जुड़े हुए हैं, अगर आपने डिवाइन को प्रायोरिटी दी है, आपके लिए दुनिया में सबसे इम्पॉर्टेंट डिवाइन के साथ आपकी अलाइनमेंट है, उसके बाद है दुनिया की बाकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। तो आप समझ लें कि ये आपका आखिरी पड़ाव है, ये क्लाइमेक्स है आपके लाइफ में, जो क्लाइमेक्स आपको आपका सोल पर्पस, आपके डिवाइन पर्पस इस लाइफ में आप क्यों आए हैं उससे जोड़ने वाला है। और इसके बहुत करीब हैं आप में से कई सारे लोग। जो दूर हैं उनकी बात नहीं कर रही हूँ, हो सकता है आपसे कोई गलती हो सकता है आप लोअर वाइब्रेशन में चले जाएं, हो सकता है अभी आपको अवेकनिंग में और ऊपर उठना है, क्योंकि कई बार बैचेस में अवेकनिंग होती है ना, पहला स्टेज बाहर निकल गया। जैसे कॉलेज में कैसे पढ़ाई होती है, एक बैच 3rd ईयर करके निकल गया, पोस्ट ग्रेजुएशन में चला गया, असेंड हो गया, तो नीचे बीकॉम 1st ईयर, बीकॉम 2nd ईयर, बीएससी 1st ईयर, बीएससी 2nd ईयर, ऐसे लोग आते रहते हैं, आगे बढ़ते रहते हैं। तो वैसे भी इन सब जो अवेकनिंग प्रोसेस है, इकट्ठे पूरी दुनिया अवेकन हो जाएगी, तब तो सतयुग, वैसे भी सतयुग आने वाला है, तो अब तो पूरी दुनिया को अवेकन होना ही पड़ेगा, और कोई ऑप्शन ही नहीं है, पूरी धरती को अवेकन होना पड़ेगा, सबको ज्ञान अर्जित करना ही पड़ेगा। तो यहाँ पर मैक्सिमम लोग अवेकन हो चुके हैं और अभी भी कई लोग प्रोसेस में हैं,
जो प्रोसेस में है उनको तो ट्रिगर भी मिल सकते हैं, क्योंकि उनकी अवेकनिंग जर्नी में ट्रिगर मिलेगा ही मिलेगा, उनको थोड़ा धक्का खा कर कर आगे बढ़ना पड़ेगा। बट मैक्सिमम लोग जो अवेकन हो चुके हैं उनके लाइफ में ये रीयूनियन की साइकिल बहुत जल्द आने वाली है, लेकिन उसके पहले आपके पार्टनर की लाइफ में ये जो बहुत नेगेटिव एनर्जी है ये पीक पे होगी। इस पीक पे एनर्जी को आप हैंडल कर सकते हैं अगर आप बैलेंस्ड हैं तो। अगर आप बैलेंस्ड हैं तो आपके पर्सन भी बैलेंस्ड होकर इस पीक नेगेटिव एनर्जी से बाहर निकल जाएंगे। देखिए खूबसूरती से बाहर निकलते हुए नज़र आ रहे हैं। तो ये आने वाले 2 हफ्ते बहुत इम्पॉर्टेंट हैं आप में से कई लोगों के लिए। एंजल्स की तरफ से क्या गाइडेंस है? शेयर योर गिफ्ट्स, अपने गिफ्ट्स को शेयर करना सीखिए। गिफ्ट का मतलब चॉकलेट नहीं, अगर आप चॉकलेट शेयर करना चाहें तो ज़रूर कीजिए, वैसे जल्दी कोई चॉकलेट शेयर नहीं करता है लेकिन शेयर योर गिफ्ट्स का मतलब है कि अगर आपको यूनिवर्स की तरफ से, एंजल्स की तरफ से, डिवाइन की तरफ से कोई गिफ्ट मिला है, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपको नॉलेज मिली है तो आप टीच कीजिए, लोगों को गाइड कीजिए। अगर आपको ज्ञान मिला है, अगर आपने कोई सोशल वर्क करना है, आपको सोशल वर्क की कैपेबिलिटी दी गई है, तो आप लोगों के लिए, समाज के लिए, सोसाइटी के लिए ज़रूर काम कीजिए। जिस भी सोल मिशन या सोल पर्पस के लिए आपको चूज़ किया गया है, अगर उस सोल पर्पस, सोल मिशन की तरफ आप लग जाते हैं तो आप अपने गिफ्ट्स को शेयर करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं आपको गिफ्ट शेयर कर रही हूँ तो मेरा गिफ्ट है आपको पॉजिटिव बनाना। पॉजिटिव बनाने का मतलब है कि आपको अवेकन करना, आपको अलाइनमेंट में लाना, भगवान से आपको अलाइन करवाना, आपको बताना धरती पर सच क्या है, झूठ क्या है, साथ ही साथ आपको ज्ञान देना कि सबसे इम्पॉर्टेंट आप खुद हैं, सबसे पहले भगवान आपके अंदर हैं। तो अपनी सोल की रिस्पेक्ट कीजिए, ठीक है। जब इंसान अपनी सोल की रिस्पेक्ट करता है, अपने आप से कनेक्ट होता है, तो वो अपने आप से कनेक्ट होते ही डिवाइन से कनेक्ट हो जाता है। और इंसान तब तक कनेक्ट नहीं होता है डिवाइन से जब तक वो भगवान को बाहर ढूंढता है, मंदिर, मस्जिद, चर्च, गुरुद्वारे, इन सब जगह पे भगवान को ढूंढता है। भगवान के पास बिल्कुल जाइए, समझ लीजिए कि वो भगवान का घर है, आप भगवान के घर जा रहे हैं, लेकिन भगवान सबसे पहले आपके अंदर हैं। और आपके अंदर के अलावा पूरी धरती पर जितने भी लोग हैं उन सबके अंदर भी ईश्वर का वास है, चाहे वो कोई जानवर हो, कोई पक्षी हो, पेड़ पौधे हो या कोई इंसान हो। तो जब आप भगवान से अलाइंड होते हैं तो आप सबके लिए एक जैसी भावना रखते हैं, फिर आपको किसी से कोई द्वेष, ईर्ष्या, जेलेसी, कोई भी मतलब बुरी कोई आपका दुश्मन नहीं रहता धरती पर, ठीक है। लेकिन एक बात और है कि ऐसी सोल्स जो इतनी प्योर हैं, उनको अगर कोई गलती से भी उनका बुरा चाहता है, बुरा चाहना क्या, सोच भी लेता है, तो उसके साथ बहुत बुरा हो जाता है, लग जाती है उनको, ठीक है। तो ये चीज़ें बहुत पावरफुल एनर्जी के साथ हो जाती है। सो ये आपके लिए है शेयर योर गिफ्ट्स, विशिंग ऑन अ स्टार। आप में से बहुत सारे लोग विशेस मांग रहे हैं। हार्ड एंड हार्ट, आने वाले 2 हफ्ते अपने दिल को थोड़ा मजबूत कीजिए, कुछ चीज़ें आपको सुनाई दे सकती हैं, दिखाई दे सकती हैं, इवन ऑन वर्ल्ड लेवल, ये मैं मेंशन कर रही हूँ, इवन ऑन वर्ल्ड लेवल कुछ बड़ी चीज़ें हो सकती हैं, क्योंकि यहाँ पर एनर्जी है। वैसी कोई कार्ड नहीं है ऐसा, लेकिन एनर्जी मैं फील कर सकती हूँ। सो आने वाले 2 हफ्ते वर्ल्ड लेवल पे, कलेक्टिव लेवल पे कुछ ऐसी न्यूज़ आपको सुनाई दे सकती है जहाँ मैस्कुलिन अपनी ताकत का इस्तेमाल कर सकती हैं या कर सकते हैं, जो भी हो मैस्कुलिन एनर्जी में। सो थैंक यू सो मच, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, अपना अपने परिवार का ध्यान रखें। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू।